ओके सो गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। पहले होमवर्क चेक करते हैं, देन वी विल गो अहेड। तो ओके, तो पहले 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 थोड़ा सा देखा था कल, मतलब आपने ट्राई किया था कल क्लास में, उसको कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं अभी। चलो अब जिनका नहीं आया कंसंट्रेट करो। और किसी का 3-2 आंसर आया है क्या? आया, ओके गुड, ठीक है। चलो करता हूँ, आपको कंसंट्रेट करो। रॉ मटेरियल एक्स ई कॉस्टिंग 150 पर केजी एंड बी एक्स ई कॉस्टिंग 90 पर केजी आर मिक्स्ड, ऐसा बोल रहे हो। नाउ इफ दे आर मिक्स्ड इक्वली देन जितना ए एक्स होगा उतना ही बी एक्स होगा, 1:1 रेशियो होगा। एंड वो बोल रहे कि लॉस ऑफ मटेरियल इन प्रोसेसिंग वर्क्स आउट टू 25% ऑफ द प्रोडक्ट। तो कॉन्सेंट करो 100%। लेट्स से कैन आई से वो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि ए बी ये दोनों मर्ज करके हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड हमारा जो लॉस है वो 25% ऑफ द प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब फिनिश प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट ए। अब मुझे बोलो अगर प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाया, 1 केजी बनाया, तो मतलब 1 केजी बनाना है सपोज हमें प्रोडक्ट ए का, तो फिर लॉस ऑफ मटेरियल वो बोल रहे वर्क्स आउट टू 25% ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कितना लॉस होगा मटेरियल में? 0.25 केजीज, करेक्ट ये समझो, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब क्या, आउटपुट का, राइट, इनपुट का लॉस नहीं दिया हमने, आउटपुट का लॉस दिया। तो 1 केजी का लॉस होगा इस पे 0.25 केजीज। मतलब कहने से कि इनका इनपुट जो है ना टोटल वो 1.25 होना चाहिए, देखो, सो दैट उसमें से 0.25 लॉस होके 1 केजी आउटपुट आएगा। ये समझा के सबको बोलो। ओके और वो बोल रहे इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब फिर ए और बी कितना होना चाहिए 1.25 केजीज में? हाफ हाफ, गुड, कितना था वो 0.625 ना। यहां तक इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर डायग्राम में प्रेजेंट किया तो भी चलेगा, तो यहाँ पे तो आया है हमारा 0.625 केजीज, ठीक है। अब इनका कॉस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए का कॉस्ट है 1 केजी का 150, तो फिर 0.625 केजीज का कॉस्ट कितना आएगा? करंट कॉस्ट निकालते हैं। हाँ करंट कॉस्ट निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ देखो, मटेरियल ए का कॉस्ट आएगा 150 पर केजी इंटू 0.625 केजीज, कितना बोला 90 क्या? ओके समझा सबको, 93.75, क्या कहा से आया? ठीक है। फिर वैसे ही बी का कॉस्ट है 90 इंटू उसका भी उतना ही केजीज है 0.625। ओके तो फिर टोटल कॉस्ट कितना आता है मटेरियल का? चेक विद एवरीवन हैज गॉट इट, मटेरियल कॉस्ट 150। विश्वजीत, प्रगुन, आकांक्षा, लेट मी नो। ठीक है। फिर हाँ फिर उन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड एट 40% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो 40% मतलब प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितने आएंगे अब? 60, एंड टोटल कॉस्ट फिर आएगा 210 रुपीज। आया सबका? हाँ उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, प्रॉफिट वो बोल रहे 20% ऑफ कॉस्ट, मार्जिन मतलब क्या, प्रॉफिट, राइट, तो प्राइस उसका कितना है 42, तो फिर उसका सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का 252 आया के सबका बोलो।
ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें उल्टा जाना है यहां से और सी का निकालना है, राइट? तो करते हैं ट्राई, चलो। कैन आई प्रोसीड? मतलब नोट भी करना है तो कर लो अभी, किया है? कैन आई प्रोसीड? यस सर। ओके। नाउ एक्चुअली उन्होंने क्या बोला है, इट इज रिक्वायर्ड टू कीप द प्रोपोर्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूट मटेरियल इन द मिक्सचर एज लो एज पॉसिबल एंड एट द सेम टाइम मेंटेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द एंड प्रोडक्ट एट एग्जिस्टिंग लेवल एंड इंश्योर सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट एट प्रेजेंट। मतलब हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट उतना ही रखना है, मतलब कहने से मटेरियल कॉस्ट भी उतना ही रहना चाहिए तो ही वैसा रहेगा, राइट? क्लियर है सबको? क्योंकि अगर मटेरियल कॉस्ट चेंज हुआ तो सभी चेंज हो जाएगा ना आगे। इसका मतलब टोटल मटेरियल कॉस्ट तो 150 है ए और सी का मिलके, फाइन। तो ए और सी का मिला के टोटल मटेरियल कॉस्ट है 150। कैन आई फॉर्म एन इक्वेशन लाइक दिस? कॉन्सेंट्रेट। ए का 1 kg का कॉस्ट कितना है? और 150 है, राइट? एंड सी का है 75। और हमें ए और सी दोनों मिलके कितना चाहिए इनपुट? इसमें आप कितना चाहिए देखो, 1.25 kg। अब ये देखो, ये समझ जाएगा सबको कि ए और सी लिया तो भी 1.25 ही रहेगा, क्योंकि लॉस तो उतना ही होने वाला है, प्रोडक्ट उतना ही बनने वाला है। तो फिर अब कहना है से ए एंड सी मिलके 1.25 kg का कॉस्ट हमें होना चाहिए, 150 रुपीज। ये 150 रुपीज, तो इक्वेशन ऐसे बन सकता है कि ए का 150 रुपीज पर केजी इनटू लेट से एक्स केजीज प्लस सी का 75 रुपीज पर केजी इनटू कहने से 1.25 माइनस एक्स केजीज। अच्छा 150 का एक्स केजीज अगर हमने लिया, मतलब ए का एक्स ई का, तो फिर सी एक्स ई का काव्या हमें 1.25 माइनस एक्स केजीज लगेगा, क्योंकि टोटल 1.25 kg चाहिए ना हमें इनपुट। एंड फिर इसका कॉस्ट मिलके कितना होना चाहिए ए और सी का मिलके? 150, ये वाला 150, राइट? तो फिर हम एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्या? करो ट्राई। जीरो पॉइंट फाइव, हाँ 0.5 एंड 0.75 ऐसे आता है क्या? देखो दोनों ये ज्यादा आ रहा है क्या ए वाला? हाँ करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन ना, 42, मतलब सिली मिस्टेक का बहुत स्कोप है 52 42 में। एक टेबल में प्रेजेंट किया तो हो सकता है छोटा में से। हाँ डन आया क्या? एक्स शुड बी 0.75, तो फिर वो 125 माइनस एक्स विल बी, सॉरी मतलब 1.25 माइनस एक्स विल बी 0.5। तो उनका रेशियो क्या आएगा? 0.75:0.5, मतलब 75:50, मतलब 3:2 शुड बी द रेशियो। तो
इक्वेशन सॉल्व करना याद नहीं है तो एक बार करता हूँ स्क्रीन पे। हाँ क्या होगा 150x प्लस 75 इंटू 1.25 93.75 माइनस 75 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150। सो 75x आएगा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 150 माइनस 93.75 दैट इज 56.25। तो एक्स विल बी 56.25 बाय 70 इज 0.75। फिर ये ए वाला 0.75 है तो सी वाला बचा हुआ होगा मतलब 0.5। विश्वजीत प्रगुन आकांक्षा हाँ ओके। और एक यहाँ पे कर सकते थे वो मैथ्स वाला ट्रिक क्या देते हो डायरेक्टली, हमें मटेरियल का कॉस्ट कितना चाहिए? सो मिक्सर कहने से मिक्सचर का कॉस्ट हमें 150 चाहिए, बट 150 इज नॉट फॉर 1 kg। 150 फॉर हाउ मेनी केजीज चाहिए वो? 1.25 kg राइट। सो मिक्सचर कॉस्ट इज 150 फॉर 1.25 kg, मतलब पर केजी कितना कहने से 120 पर केजी आता है देखो डिवाइड करके। अब मुझे बोलो ए और सी के इंडिविजुअल कॉस्ट्स क्या है। करेक्ट, एंड मिक्सचर का कॉस्ट है 120। तो अगर आपको याद है तो इसका डिफरेंस लेंगे हम 30, इसका डिफरेंस लेंगे 45। सो रेशियो विल बी 45:30 विच इज 3:2। याद है तो ऐसा करो, अदरवाइज इक्वेशन भी करो जो जो चाहिए हो। तुम्हें तो याद नहीं होगा अलता, लेकिन जिनको याद अरे नहीं ठीक है, मतलब ऐसा करना ही ऐसा नहीं, इक्वेशन से कभी भी बेटर है ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं है। हाँ प्रेजेंट करना है बट ठीक है मतलब, और ये याद नहीं रहेगा आई एम श्योर, मत करो अदरवाइज वो 150 लेके वगैरह करोगे तो आएगा नहीं फिर वो, तो करो ही मदद से ये बेटर। कौन सा इनटू वाला? हाँ करेक्ट करेक्ट। फिर हाँ इक्वल टू से होता है ना, करेक्ट है। अच्छा तुम्हें पता नहीं था क्या? हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है अल्ता राइट। अच्छा तुम्हें पता नहीं था क्या? ओके ओके ओके। हाँ नहीं इक्वल टू से हो जाता है वो, डिवाइड 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 होते रहता है वो। हाँ ओके चलो 42 पहले चेक करते हैं, किसी का आंसर पहले आया तो बोलो। कैलकुलेट परचेज कॉस्ट फॉर ईच मटेरियल फ्रॉम होलसेल मार्केट फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है हम करते हैं, फिर ही चेक करो, फिर ही बताओ मुझे। ऑप्शन 3 का नहीं है, बाकी दो आए। ओके चलो करते हैं, स्क्रीन पे करते हैं फिर चेक करो सब लोग आंसर मुझे बताओ। पहले तो जिन्होंने मंथली डिमांड पैटर्न नहीं पढ़ा था उनका आंसर पहले ही गलत आया होगा ईओक्यू का, तो ये मंथली है वो आई होप पढ़ा है आपने। हाँ तो उसको ईयरली करके लेना पड़ेगा जब लगेगा तब, पहले तो नहीं मतलब किया क्या वो ईयरली सबने किया ना, तो पहले तो नहीं लगेगा वो। परचेस कॉस्ट पहले चाहिए पर यूनिट, तो वो तो ठीक है। परचेस कॉस्ट निकालते पहले फॉर ईच मटेरियल फ्रॉम होलसेल मार्केट फ्रॉम फार्मर्स, तो लेट्स मेक टू कॉलम्स होलसेल मार्केट एंड फार्मर्स।
फर्स्ट प्रोडक्ट इज मस्टर्ड। तो मस्टर्ड के लिए लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट। फर्स्ट तो परचेज प्राइस देना पड़ेगा उसका। परचेज प्राइस इज 15 एंड 12.5। ओके, देन उस पे टैक्स कौन सा है? सीएसटी है। सीएसटी पे क्रेडिट अवेलेबल है ऐसा बोला क्या उन्होंने नीचे? नहीं। नहीं, विल बी एडेड बोला है, तो ऐड कर देंगे उसको 2% होलसेल मार्केट के लिए। हाँ, पॉइंट थ्री। हाँ, मतलब वो क्वेश्चन पुराना है ना, इसलिए आईजीएसटी नहीं। एक्चुअली मतलब वहां पे तो सिर्फ सेंटर को ही जाता था जब इंटरस्टेट होता था। हाँ, वो सेंटर को ही जाता था जब इंटरस्टेट होते थे तब। तो पॉइंट थ्री, सब टोटल लिया तो 15.3 एंड 12.5, और भी ऐड करना पड़ेगा उसमें, इतना ही नहीं है सर। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पर परचेस है, मतलब पर ऑर्डर तो उसको तो छोड़ देना है। सॉर्टिंग पाइलिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब पर परचेस है, छोड़ देना है। लोडिंग अनलोडिंग लेना पड़ेगा, पर 50 केजी है तो पर केजी कितना आएगा वो 10/50 करके। लोडिंग 0.2 एंड अनलोडिंग तो और कम आएगा। अनलोडिंग कितना है? 0.04। अरे, सो लोडिंग कॉस्ट विल बी 0.2 पर केजी एंड अनलोडिंग कॉस्ट विल बी 0.04। फार्मर्स के केस में 5 एंड 2 है, मतलब वो कितना आएगा? 0.1 एंड 0.04। करेक्ट। तो फिर कितना था टोटल परचेस कॉस्ट? हाँ, 15.54 एंड 12.64, राइट? कितने लोगों का करेक्ट आया? आया, गुड गुड। हाँ बोलो काव्या। मतलब सिर्फ ये एक, बाकी सब आया? मतलब ये भी नहीं आया? अरे फिर, लेकिन अनलोडिंग कॉस्ट आया। अच्छा, अरे हाँ, क्योंकि देखो ना काव्या, हमने क्या देखा था, दिस पर 50 केजीज, मतलब ऐसा है क्या कि ये पर ऑर्डर है, ऐसा है क्या काव्या? नहीं, कहने से पर 50 केजीज मतलब हर हर एक बार 50 केजीज परचेस करने पर 10 रुपए लगता है। मतलब हर एक केजी के कॉस्ट कितना हुआ? 10/50, 10 केजी से 10 रुपीज से 50 केजीज का कॉस्ट है ना, तो हर एक केजी का कॉस्ट होगा 10/50, मतलब 0.2। तो वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा परचेस कॉस्ट में ही, क्योंकि ऑर्डरिंग का कॉस्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि ऑर्डर चेंज हुआ तो वो चेंज होता है, राइट? हाँ, ओके। अब आइडियली फिर आपने एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि एक्चुअली दिस लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट? बट व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट बेस ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी अलता, स्टेप लैडर कॉस्ट है। स्टेप लैडर कॉस्ट इज करेक्ट। नो, क्यों स्टेप लैडर? देखो, क्योंकि 50 केजीज के लिए उतना लोडिंग कॉस्ट लगता है, मतलब 1 केजी होगा तो भी उतना ही लोडिंग कॉस्ट लगेगा, राइट? तो फिर हम स्टेप लैडर कॉस्ट को वेरिएबल क्यों कंसिडर कर रहे हैं पर यूनिट करके? स्टेप लैडर कॉस्ट तो पर यूनिट सेम नहीं रहता ना, फिर भी हम पर यूनिट ले रहे हैं उसको। इज दैट एक्चुअली करेक्ट? करेक्ट है कैसे करना, लगता है क्या आपको? नहीं है, नहीं है ही नहीं करेक्ट, क्योंकि
एक केजी होगा तो भी तो उतना ही कॉस्ट लगेगा ना, 10 रुपए। लेकिन हम तो कंसिडर कर रहे हैं कि 1 केजी को 0.2 रुपीज कॉस्ट लगेगा। बट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, कहने से एक तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब कॉस्ट इज वेरी लेस अमाउंट वाइज, करेक्ट? यस नो? सेमी वेरिएबल है ही नहीं ना उपरकुन। सेमी वेरिएबल मतलब क्या कि 0 यूनिट्स के लिए भी लगता है एंड देन वेरिएबल होता है, ऐसा है क्या यहाँ पे? ये दिस कॉस्ट इज सेम इन ईच स्लैब, 50 50 50 का स्लैब, मतलब ये स्टेप लैडर कॉस्ट है। तो आइडियली स्टेप लैडर कॉस्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन परचेस कॉस्ट। बट मुझे बोलो, अगर मतलब इन जनरल इनके जो क्वांटिटीज वगैरह लग रहे हैं, कैन से 45,000 15,000, ऑल ऑफ देम विल बी इन मल्टीपल्स ऑफ 50, 50 के टेबल में आएंगे सब आंसर्स, इज दैट करेक्ट? यस। टेल मी वन थिंग, केयरफुली सोचो और बोलो मुझे ये करेक्ट है क्या जो मैं बोल रहा हूँ, कि 50 के मल्टीपल्स में तो ये कॉस्ट वेरिएबल रहेगा। टेल मी इफ यू अंडरस्टैंड दिस, 50, 100, 150, 200, 250, यहाँ पे तो ये कॉस्ट वेरिएबल ही रहेगा ना, करेक्ट? सबको समझा क्या बाकी लोग? हाँ, तो फिर 50 के मल्टीपल्स में ही आंसर आया तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम कब आएगा? अगर आंसर 50 के मल्टीपल्स में नहीं आया, आंसर आया 64 यूनिट्स, तो प्रॉब्लम आएगा। बट वो आंसर ईओक्यू के केस में आएगा सिर्फ, एंड देन कहने से वी हैव टू मेक एन अजम्पशन कि ठीक है यही कॉस्ट रहेगा, ऐसा अज्यूम करते हैं। बिकॉज एक तो दिस कॉस्ट इज नॉट दैट मटीरियल, देखो छोटा सा कॉस्ट है एकदम, करेक्ट? सो दिस इज नॉट एक्यूरेट, बट दिस इज द ओनली अजम्पशन दैट वी कैन मेक राइट नाउ, तो इसलिए हम वैसा कर रहे हैं। तो इसके बारे में नोट लिखेंगे नीचे, बिकॉज क्लैरिफाई कर देंगे कि बस हमने लिया है ऐसे। करते बाद में, पहले ये मस्टर्ड तो आया, दूसरा कौन सा था? सब इनका करते हैं। चलो अब मैं यहीं पे लिखता हूँ, टेबल में नहीं लिख रहा मैं। परचेस प्राइस 11, वैट 4%। वैट का क्रेडिट है क्या? नहीं, मतलब क्रेडिट है, ऐड नहीं करना है, विल नॉट बी एडेड, तो ठीक है आंसर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये तो ऑर्डरिंग का है, अभी कुछ नहीं इसका। लोडिंग कॉस्ट पर 50 kg 10 ही है यहाँ पे, मतलब ये भी कितना आएगा, 0.2 और 0.04, तो टोटल कॉस्ट चेक इफ एवरीवन हैज गॉट 11.24 आएगा सबका। गुड। यहाँ पे 9 प्लस, हाँ 0.06 एंड 0.04, मतलब 9.1 आएगा सबका। ओके गुड। जब भी मैं ओके गुड बोलता हूँ तो बहुत बार ओके गूगल ओपन होता है यहाँ पे नीचे फोन पे। ओके, ऑलिव्स, ऑलिव्स में फार्मर में इंपोर्ट ड्यूटी है, मतलब हम दूसरे कंट्री के फार्मर से ले रहे हैं शायद वो। तो 36 प्लस यहाँ पे भी 10, मतलब वही है पॉइंट, अरे उतना ही है, 0.2 एंड 0.04, 36.24 आया पहला वाला। हाँ, एंड सेकेंड वाला इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करनी है तो 2.8 इंपोर्ट ड्यूटी आएगी, ये आएगा हाफ, ये आएगा 0.04, तो टोटल इज अच्छा करेक्ट। सो ये फर्स्ट पार्ट के आंसर्स हो गए। किसी को भी कुछ डाउट है तो बोलो फर्स्ट पार्ट के आंसर्स में, अदरवाइज विल गो टू सेकंड पार्ट के आंसर। नो डाउट, सेकेंड इज ईओ क्यू अंडर बोथ ऑप्शंस, तो निकाल दे ईओ क्यू। पहले मस्टर्ड का यहीं पे निकालता, मतलब यहाँ पे निकालता हूँ, बाकी दोनों का वहीं पे निकालता हूँ। ईओ क्यू के लिए परचेस कॉस्ट है ना, हमें हमारा अभी आया हुआ, तो अभी मैं लिखता हूँ, इसी के आगे लिख लेता हूँ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम।
क्योंकि फिर इसका ही परसेंटेज देना पड़ेगा ना। वो दो पार्ट्स है उसमें देखो, एक तो कैरिंग कॉस्ट उन्होंने दिया है परसेंटेज में, कंपनीज पेइंग 12.5% पर एनम एज इंटरेस्ट टू इट्स बैंक फॉर कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो 12.5% ऑफ व्हाट? परचेस कॉस्ट होता है ना। सो कैश क्रेडिट इंटरेस्ट जो है वो आएगा 12.5% ऑफ एफ, कितना आता है बोलो? 1.9425 एंड 1.58, करेक्ट। एंड और एक कैरिंग कॉस्ट है, स्टोरेज का कॉस्ट या रेंट जो भी है, वो कितना है? 100 रुपीज पर 100 केजी, मतलब 1 केजी के लिए कितना? 1। वो मंथली है या एनुअल है? कुछ दिया नहीं तो एनुअली अज्यूम करेंगे ना उसको। टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगा 2.9425 एंड 2.58। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया है उन्होंने, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है इसका? 6000। एंड फार्मर्स में ये दोनों लेना पड़ेगा, 16200। देन नेक्स्ट एनुअल रिक्वायरमेंट भी रहेगा। एनुअल रिक्वायरमेंट विल बी मस्टर्ड के केस में 45 लीटर चाहिए मंथली, तो एनुअली इंटू 12 चाहिए। एंड 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल के लिए 5 केजी ऑफ मस्टर्ड लगते हैं, तो इंटू 5 केजीज करना पड़ेगा। तो कितना आता है? 45 इंटू 12 इंटू 5 इज 27। उसका कैलकुलेशन दिखाना चाहिए अपने ब्रैकेट में। सो नाउ वी कैन फाइंड ईओक्यू। ईओक्यू विल बी रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कितने लोग आया है? 1,04,933, 934। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? ओके, बाकी कोई भी नहीं? परचेस कॉस्ट ज्यादा हुआ होगा, उसके वजह से सब गलत हुआ होगा। बाकी विश्वजीत क्या नहीं आया? 25 कॉस्ट गलत आया। ओके फगुन, अच्छा ओके, कैरिंग कॉस्ट में मंथली लिया था। ओके ओके, और योगिनी आकांक्षा? नहीं, क्यों क्यों नहीं? देखो प्रगुन, क्योंकि कहने से एवरीथिंग एल्स वाज एनुअल, राइट? तो फिर एक को ऐसे मंथली अज्यूम करने में कुछ पॉइंट है क्या? नहीं राइट, नहीं। अगर कहीं पे ऐसा अनएम्बिगियस है तो ठीक है प्रगुन, लेकिन अगर सब कुछ एनुअल दिया है तो सिर्फ एक चीज को मत रिज्यूम करो ना। क्या क्या? वो सिर्फ रिक्वायरमेंट ही मंथली दिया है, उसके बाद एक भी चीज मंथली दिया क्या बोलो? नहीं राइट, सब कुछ एनुअली दिया है ना, तो फिर ऐसा आइडियली नहीं अज्यूम करना चाहिए प्रगुन। ओके योगिनी यू आर सेइंग आया था, गुड। आकांक्षा कैरिंग कॉस्ट गलत हुआ, ठीक है। वहां पे ईओक्यू फार्मर्स का 2 × 27 लाख इंटू 16,200 डिवाइड बाय 2.58 का रूट 184,138 आया, गुड। फाइन, वेरी गुड। तो मस्टर्ड तो आया, चलो मुझे अभी सब लोग फिर इसका ईओक्यू कैलकुलेट करके बताओ, सोयाबीन का फास्ट अब तक आना चाहिए था।
सोयाबीन का ईओ क्यू निकालो, मैं तुम्हें निकाला आंसर ठीक है। हाँ देखते हैं, चेक करते हैं। योगिनी यू आर सेइंग व्हाट? हाँ चेक करते हैं, पहले सब लोग करो फिर मैं करता हूँ स्क्रीन पे। अदर्स लेट मी नो व्हेन यू आर डन। सोयाबीन का ईओ क्यू विश्वजीत विल टेल मी होलसेल मार्केट वाला, काव्या शुड टेल मी फार्मर्स वाला। हाँ बोलो ना। 113730 ओके। विश्वजीत मुझे होलसेल मार्केट वाला बोलो, फिर दोनों कैलकुलेट करते स्क्रीन पे। मुझे नहीं पता क्या निकाल रहे विश्वजीत कुछ भी मतलब क्या पूछा सेकेंड पार्ट में देखा। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ई ओ विश्वजीत मुझे सोयाबीन का होलसेल मार्केट का यू क्यू बताओ। अब सोयाबीन के लिए मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी ना विश्वजीत, और कैरिंग कॉस्ट इसके परचेस प्राइस पे वो लेना पड़ेगा ना 12.5%। क्यों जो कैलकुलेशन बोलो अभी विश्वजीत, 2 × क्या करूं मैं बोलो। नोट मुझे तो नहीं लग रहा है लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एनुअल रखना ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि बाकी सब एनुअल दिया है ना। बट प्रभु अगर कंफ्यूजिंग है तो वी कैन राइट अ नोट, इट हैज बीन अज्यूम दैट इज एनुअल, बट मंथली अज्यूम किया ऐसा नोट मत लिखना, क्योंकि बाकी कुछ भी मंथली नहीं है इसमें। हाँ नहीं मंथली भी कर सकते हैं, इफ एवरीथिंग कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अब मुझे बोलो उसके ही ऊपर जस्ट प्रगुन एक सेकेंड ऊपर उसके वो 12.5% पर एनम दिया है, तो फिर ये क्यों मंथली होगा राइट। हाँ तो फिर, हाँ तो फिर मत नोट लिखो आइडियली, क्योंकि मतलब वो तो दिख ही रहा है ना इसलिए। विश्वजीत बोलो क्या लिखूं मैं, 2 × अरे विश्वजीत ओके, ये सोयाबीन का डेटा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है करेक्ट। उसमें कहने से ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन एंड सॉर्टिंग आएगा ना, मतलब 9000 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट राइट। क्यों? क्योंकि एक बार परचेस करने को उतना लगता है ना विश्वजीत, तो एनुअल रिक्वायरमेंट बोलो पहले विश्वजीत मुझे। फिफ्टीन थाउजेंड को लेके एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे? into 12 months इतना ऑयल बनाना है, लेकिन उसके लिए सोयाबीन कितने लगते हैं? क्या वापस वापस इतना ही 15,000 × 12 × 6 kg तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है वो 15,000 × 12 × 6 10.8 लाख करेक्ट। इनटू बोलो क्या करूँ क्या लिखूँ विश्वजीत मैं यहाँ पे 9,000 डिवाइडेड बाय। अब कैरिंग कॉस्ट इसके परचेस पे आएगा विश्वजीत, तो
इसका परचेज कॉस्ट कितना है विश्वजीत? एकदम फर्स्ट स्टेप में हमने जो निकाला था परचेज कॉस्ट, वो कितना है इसका सोयाबीन का होलसेल मार्केट में? नहीं नहीं परचेज 11.24 निकाला था ना विश्वजीत, ये तो उसका 12.5% आएगा कैरिंग कॉस्ट एंड प्लस 1 रुपया आएगा वो स्टोरेज का। समझा क्या फिर एकदम क्या? हाँ एंड प्लस वो 1 रुपया राइट। 100% समझा क्या तुम्हें विश्वजीत सब ये? हाँ ठीक है तो चेक इफ यू आर गेटिंग 89906 करेक्ट है जिनका आया था। योगिनी यही आया था क्या? अल्ताफ तुम्हारा यही था? हाँ विश्वजीत गॉट इट ठीक है। काव्या कैलकुलेशन बोलो 2 इंटू हाँ मतलब वो पार्ट वही आया 10,80,000 12,800 इज करेक्ट बिकॉज दीज टू देन डिवाइड बाय हाँ मतलब 9.1 का 12.5% प्लस प्लस 1 करेक्ट। तो 9.1 का 12.5% प्लस 1 m प्लस 2 इनटू 10,80,000 इनटू 12,800 डिवाइड बाय MRC इक्वल टू रूट 1,13,730 करेक्ट गुड। कैन आई प्रोसीड या वेट करना है किसी को लिख रहे हो तो? डन ऑलिव के केस में प्रगुन टेल मी होलसेल मार्केट वाला ईओक्यू, आकांक्षा टेल मी ये वाला ईओक्यू फार्मर्स वाला। अरे हाँ आकांक्षा का नेट का इशू होता है ठीक है। फिर योगी ने टेल मी ये वाला ईओक्यू एक सेकेंड लिखता हूँ मैं 2 इंटू अब एनुअल रिक्वायरमेंट पहले निकालते हैं ऑलिव्स का 3,000 लीटर्स इंटू 12 मंथ्स इंटू क्या करना चाहिए 4.5 गुड सो करेक्ट 1,62,000 सो 2 इंटू 1,62,000 इंटू 11,000 यहाँ पे करेक्ट डिवाइडेड बाय करेक्ट कैलकुलेशन नहीं मतलब ये डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन कैसे आएगा वो कैरिंग कॉस्ट व्हाट प्लस व्हाट करेक्ट मतलब 31.34 का 12.5% प्लस 1 करेक्ट ट्वेंटी सिक्स नाइन ट्वेंटी वन बोला ना तुमने दैट इज करेक्ट गुड। देखो सब लोग ये आया क्या एंड प्रगुन मुझे फर्स्ट वाला बोलो होलसेल वाला कैलकुलेशन के साथ। अगर मुझे बोलो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट करने से उतना ही होगा 1,62,000 ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है बोलो? प्लस 1,800 भी क्योंकि ये भी पर परचेज कॉस्ट है तो 4,800 डिवाइडेड बाय 30.24 का 12.5% प्लस 1 करेक्ट।
चेक इफ एवरेज गॉट 16,770। गुड, चलो सबका आया तो बोलो सो दैट विल गो अहेड। रुको, आकांक्षा का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। लास्ट वाला पार्ट करते हैं फास्ट। आया ना सबका ये? रिकमेंड द बेस्ट परचेस ऑप्शन फॉर ऑलिव, करते हैं रिकमेंड। अब होलसेल मार्केट फार्मर्स, यही पे कर रहा हूं मैं ऑलिव का बेस्ट। अब आरओक्यू रीऑर्डर क्वांटिटी, होलसेल मार्केट के इसमें कितना ईओक्यू आया था हमारा? 16,770। फार्मर्स के केस में हमारा ईओक्यू आया है 26,921, बट फार्मर्स के केस में मिनिमम इतना ही परचेस करना पड़ता है। देखो मिनिमम 1,62,000 परचेस करना पड़ता है, इज दैट करेक्ट? मतलब हम आरओक्यू ईओक्यू के इतना रख ही नहीं सकते, हमें आरओक्यू फार्मर्स का इसमें 1,62,000 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर सब निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं। पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएगा? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय आरओक्यू, कितने आते हैं होलसेल मार्केट के इसमें ऑर्डर्स? टेन 9.66, मतलब 10 ऑर्डर्स, एंड यहाँ पे एक ऑर्डर सिर्फ। समझ रहा है कि सबको क्या चल रहा है? हाँ, तो करो एक साथ ही। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं इससे। अब होलसेल मार्केट के इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट था 4,800 रुपीज, तो यहाँ पे आएगा 4,800 इंटू 10, 48,000। और यहाँ पे आएगा 11,000 था शायद, 11,000 इंटू वह एक ही ऑर्डर, तो 11,000। फिर पर कैरिंग कॉस्ट लिखते हैं, कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या? आरओक्यू बाय टू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब क्या वो ईओक्यू का डिनोमिनेटर, राइट? तो चलो यहाँ पे करेंगे आरओक्यू बाय टू, मतलब 16,770 बाय टू इंटू ईओक्यू का डिनोमिनेटर क्या था कैरिंग कॉस्ट का, देखते हैं यहाँ पे। हाँ ये वाला पार्ट ना, मतलब लेट मी जस्ट वेरीफाई वंस, करेक्ट 5.53 था। दैट इज 46,369.05 चाहिए तो। देन यहाँ पे 1,62,000 बाय टू इंटू इसका जो भी कैरिंग कॉस्ट था, दैट इज 31.34 का 12.5% प्लस 1, 4.9175, करेक्ट? दैट इज 3,98,317.5। यहाँ तक सबका आया के देखो। और एक कॉस्ट लगेगा परचेस कॉस्ट भी अलग है उनका, वो भी ऐड करना पड़ेगा। परचेस कॉस्ट मतलब 1,62,000 यूनिट से परचेस करने हमें, बट इनटू जो भी इंडिविजुअल परचेस कॉस्ट होगा दोनों ऑप्शंस का, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन का होलसेल मार्केट का परचेस कॉस्ट आया था हमारा 36.24, तो वो आएगा 36.24 इंटू 1,62,000। करेक्ट, 58,70,080।
एंड दिस शुड बी 1,62,000 इनटू 31.34, 50,70,000 समथिंग। सो टोटल कॉस्ट शुड बी ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग प्लस परचेज। Is it 59,65,249? Correct. बेस्ट परचेज ऑप्शन कौन सा है? फार्मर्स। ठीक से देखो, नोट करना है तो कर लो, देन विल गो अहेड। ओके सर, विश्वजीत प्रगुन, ओके आकांक्षा समझाए, अब स्क्रीन वगैरह दिख रहा है क्या ठीक से आकांक्षा? ओके, सो नेक्स्ट और एक होमवर्क था, वो भी चेक कर लेते हैं, देन वी विल गो टू नेक्स्ट चैप्टर। एक सेकंड का क्वेश्चन था वो, मतलब इसके सामने 34 फीफो एंड लीफो में क्लोजिंग स्टॉक एंड कंजम्पशन पूछा था, करते हैं। आवाज नहीं ना आ रहा है आकांक्षा। चलो 34 में फीफो के पहले करते हैं, स्टोर्स लेकर उन्होंने बोला मत बनाओ तो नहीं बनाएंगे। तो अब मुझे बोलो, पहले ओपनिंग स्टॉक है 100, अरे यार 100, देन 5 अप्रैल को परचेस है 300, फिर 6 अप्रैल को इशू है 250, वो कहां से जाएगा? 100 में से इतना और 150 यहां से, टोटल 250 गया। तो ये हुआ। फिर 8th को परचेस है कितना? 500 का, करेक्ट। फिर 10th को इशू है 400 का, तो वो 10 4 का जो इशू है, यहां से 150 जाएगा, यहां से 250 जाएगा 400 में से, क्योंकि अभी 150 बचा है। देखो समझ जाएगा सबको मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो नहीं समझ आया तो बोलो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। देन 12th 4 को 600 यूनिट्स आए, एंड देन 14 4 को 500 यूनिट्स इशू करना है, लेकिन यहाँ पे 250 बचे हैं अभी, एंड यहाँ से बचे हुए 250, फिर ये 0 0 0 हो जाएगा, सिर्फ इसमें से कितना बचेगा? 350। तो कहने से फीफो का क्लोजिंग स्टॉक विल बी 350 एट वो लास्ट वाला, मतलब 8 रुपीज 2800, करेक्ट। गुड, आया कि सबका? देखो फीफो का लोन स्टॉक इतना, गुड। अब आया कि बाकी लोग क्यों साइलेंट है? विश्वजीत, ओके नेक्स्ट। फिर कंजम्पशन भी निकालना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक तो निकाला हमने, कंजम्पशन भी निकालते हैं, मटेरियल कंज्यूम। अब मटेरियल कंज्यूम जैसे निकालना ही होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कितना है? 100 इंटू 5 500
परचेसेस कितने हैं टोटल करते हैं परचेसेस का, 300 एट 6 प्लस 500 एट 7 प्लस 600 एट 8, कितने टोटल? टेन थाउजेंड वन हंड्रेड। एंड माइनस कंजम्पशन किया तो फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है, राइट? क्लोजिंग स्टॉक तो आया 2800, तो बैलेंसिंग फिगर निकालो वो कंजम्पशन। करेक्ट, 7800। आया, ओके, गुड। अदरवाइज उसको भी इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो, कैसे भी करो। गॉट इट एवरीवन? यस नो? प्रेजेंटेशन भी ठीक से समझाएगा देखो सबको। हाँ हाँ अब अगर उस फॉर्मेट में किया तो भी चलेगा, बट उन्होंने बोला था कि यू नीड नॉट ड्रॉप स्टोर्स लेजर, तो अननेसरी टाइम जाएगा, राइट? वैसा करने में तो इट इज बेटर कि डोंट डू इट। हाँ चलेगा, मतलब किया तो नो इश्यूज, बट टाइम जाएगा थोड़ा सा बस एग्जाम में। यहाँ पे जब 6 ट्रांजेक्शन करना तो इट इज ओके। इशू अच्छा, और एक कर सकते हो आप, स्टोर्स लेजर बना सकते हो विदाउट वैल्यू, तो वो भी चलेगा, सिर्फ क्वांटिटी रेट, क्योंकि वैल्यू वैसे भी हमें एंड में करना है कैलकुलेट। तो जो करो, जो करना है करो, बट ओनली थिंग इज शॉर्ट में होना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन है तो इतना टाइम नहीं होगा ना हमारे पास। हाँ दे सकते हैं। ओके चलो लिफो करते हैं। किसी को भी डाउट है तो बोलो, एक भी। तो लिफो, लिफो में भी ऐसे ही प्रेजेंट करता हूं मैं। ओपनिंग 100, फिर परचेस कब का 5-4 का परचेस 300, फिर 6-4 का इशू जो है 250 वो इससे जाएगा, देन 8-4 का परचेस है 500, देन 10-4 का इशू है 400 वो इससे जाएगा, देन 12-4 का परचेस है 600, एंड देन 14-4 का इशू है 500 वो इससे जाएगा। तो स्टॉक कैसे बचा देखो, 12-4 का 100 स्टॉक, 8-4 का 100 स्टॉक, 5-4 का 50 स्टॉक, एंड यहाँ का 100 स्टॉक, ऐसे बच रहा है। उनका इंडिविजुअल वैल्यू लेना पड़ेगा, इसका वैल्यू है 5 रुपीज, इसका वैल्यू है 6 रुपीज, इसका वैल्यू है 7, और इस इमेज 7 और 8 के अंदर है। करेक्ट, चेक इफ एवरीवन हैज गॉट दिस। गुड, फिर अब ये क्लोजिंग स्टॉक है, कंजम्पशन कितना आएगा वो भी निकालो। कंजम्पशन आपका 500 से एक्स्ट्रा आएगा फिर ना, इज इट 8300? करेक्ट, गुड। यस क्लियर, ओके। हाँ फाइन, क्लियर, ओके गुड, ठीक है फिर। देन अब आज के लिए तो आपको होमवर्क पता है वो ही है, 38 होमवर्क है आज के लिए। हाँ, एंड हमारा एक क्वेश्चन बचा है सिर्फ, विच इज 7। कर लेते हैं चलो इमीडिएटली। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डिस्कस करते हैं ऐसे ही, आपको नोट करने जैसा लगा तो नोट कर लो। सेफ्टी स्टॉक इंक्रीजेस एज डिमांड इंक्रीजेस, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। एनीवन एल्स? ठीक से सोच के बोलो,
सेफ्टी स्टॉक इंक्रीजेस एज डिमांड इंक्रीजेस। ट्रू ओके। अच्छा अल्ताफ ने चेंज कर दिया, ट्रू फॉल्स में नहीं है भाई। एनीवन एल्स? ओके ठीक सलोनी ट्रू, प्रगुन फॉल्स, विश्वजीत आकांक्षा ट्रू, काव्या ट्रू ओके। बाकी लोग सी, फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। क्यों? देखो सेफ्टी स्टॉक डज नॉट चेंज विद डिमांड, डिमांड ज्यादा है इसलिए हम सेफ्टी स्टॉक ज्यादा नहीं रखेंगे। अंडरस्टैंड, सेफ्टी स्टॉक क्यों लगता है? इमरजेंसीज के लिए। तो रादर देन सेइंग दिस, ये स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट होगा क्या बोलो जो मैं अभी बोल रहा हूं, कि इफ डिमांड इज हाईली फ्लक्चुएटिंग देन वी शुड कीप हायर सेफ्टी स्टॉक। देखो ये बोलना ज्यादा करेक्ट होगा कि सेफ्टी स्टॉक इंक्रीजेस एज डिमांड फ्लक्चुएट्स मोर एंड मोर, इज दैट करेक्ट? क्योंकि फिर डिमांड बढ़ा इसलिए सेफ्टी स्टॉक नहीं बढ़ाएंगे हम। हम क्या, अगर सडन डिमांड आता है तो ही सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, राइट? तो डिमांड के लेवल से कुछ लेना देना है क्या सेफ्टी स्टॉक का? नो तो फॉल्स इज द करेक्ट। हाँ नॉट नेसेसरी, इज इट नेसेसरी कि फ्लक्चुएशंस भी बढ़ेंगे डिमांड बढ़ा तो? नहीं ना, बट अज्यूम क्यों डिमांड, मतलब फिर ऐसा भी अज्यूम कर सकता हूँ मैं, नहीं बढ़ेंगे फ्लक्चुएशन, राइट? अच्छा प्रूडेंस नहीं, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो हर एक केस में ट्रू होना चाहिए। तो मुझे अगर फिर सिर्फ डिमांड इंक्रीज है तो ट्रू है क्या वो स्टेटमेंट? नहीं है। इनफैक्ट आप ये भी देखो, सेफ्टी स्टॉक का जो फॉर्मूला है उसमें डिमांड आता है क्या कहीं पे? मिनिमम स्टॉक लॉस, एवरेज कंजम्पशन लेते हैं हम, अग्रीड? तो जिसे एवरेज कंजम्पशन, अरे बढ़ता है वैसे सेफ्टी स्टॉक कम होता है, राइट? तो इट इज नॉट लाइक डिमांड इंक्रीज हुआ तो सेफ्टी स्टॉक बढ़ेगा, दैट इज नो रिलेवेंस। डिमांड का फ्लक्चुएशन बढ़ा तो हमने सेफ्टी स्टॉक ज्यादा रखना चाहिए। सेकंड पढ़ के बोलो, ट्रू या फॉल्स? हाँ बोलो, हाँ सेफ्टी स्टॉक को एवरेज कंजम्पशन लेते हैं ना, करेक्ट? इंक्रीज होगा तो माइनस, सेफ्टी स्टॉक कम होगा उल्टा आता वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो बढ़ेगा, लेकिन वो माइनस करते हैं उस फॉर्मूला से अल्टा। हाँ ऑब्वियसली डेंजर लेवल मतलब एकदम इमरजेंसी, सेफ्टी स्टॉक मतलब क्या, मिनिमम स्टॉक जो हमें रखना चाहिए हमारे पास एट ऑल टाइम्स। वापस सेकेंड, चलो पढ़ के बोलो, टू फॉल्स। ओनली बेस्ड ऑन दिस ट्रू या फॉल्स? ओनली बेस्ड ऑन दिस, ट्रू फॉल्स? ट्रू आकांक्षा सिंह। अदर्स, ट्रू फॉल्स? फर्स्ट फॉल्स, एक सेकेंड में आंसर चाहिए बाकी सबका, फास्ट।
ट्रू फॉल्स। सलोनीस हो गए क्या? अच्छा न्यूट्रल, न्यूट्रल ओके। उसका वो कास्टिंग वोट। अरे नहीं फिर आंसर तो दो। अच्छा अच्छा मैं हाँ ओके। सी आंसर इज फॉल्स। फॉल्स है क्योंकि सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे इट हैज नो रिलेवेंस। हाई कॉस्ट एंड लो कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन है ना उसको HML क्लासिफिकेशन बोलते हैं अगर आपको याद है तो। ABC एनालिसिस करेक्ट ना, बट इज इट नेसेसरी कि हाई कॉस्ट है तो वो नेसेसरीली मोस्ट लाइकली टू फॉल इन ए कैटेगरी है? नो, उसके क्वांटिटी भी तो डिपेंड करती है। अगर क्वांटिटी भी हाई है तो नहीं जाएगा ए कैटेगरी में। नो नो नो, सी एबीसी एनालिसिस इज ओनली बेस्ड ऑन वैल्यू एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, नॉट ओनली वैल्यू। तो सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे हम कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते एबीसी के लिए, समझा? चलो नेक्स्ट। टू प्रोटेक्ट, समझा क्या? क्लियर है क्या सबको? या नहीं? सी यू हैव टू सी दैट रीजन, यू हैव टू सी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल केसेस। एबीसी में हम सिर्फ कॉस्ट देखते हैं क्या? डू वी लुक एट ओनली कॉस्ट इन एबीसी? नो, वी लुक एट कॉस्ट एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन नॉट कमेंट ओनली ऑन कॉस्ट, राइट? हाँ। तो नेक्स्ट थर्ड, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉकआउट्स लार्ज बैच साइज इज मस्ट। लॉजिकली सोचो, फॉर्मूला वगैरह के पॉइंट ऑफ से मत सोचो, लॉजिकली सोच के बोलो कि लार्ज बैच साइज से स्टॉकआउट से प्रोटेक्शन मिलेगा क्या? सो ही इज सेइंग फॉल्स। एनीवन एल्स? फॉल्स फॉल्स, ठीक से सोच के बोलो, फॉल्स। हाँ करेक्ट है ना, मतलब हमारा मटेरियल नहीं है तो स्टॉक आउट हो गया मतलब, तो फिर क्या करेक्ट है या फॉल्स है? बाकी लोग फास्ट, फॉल्स ही बोला है, फॉल्स। अल्ताफ, प्रगुन, विश्वजीत, ट्रू। ओके सोचो, रिस्क नहीं लेना है अपना पहले दो क्वेश्चन के बाद। विश्वजीत झुकला का जनरल लॉजिक लगाओ, फॉर्मूला से मत जाओ, अप्लाई जनरल लॉजिक। विश्वजीत अच्छा अच्छा नहीं हो रहा है ओके। सर इज सेइंग कि टाइमली ऑर्डर होना चाहिए रादर देन लार्ज बैच साइज। ओके ओके, बट ठीक है टाइमली ऑर्डर होने चाहिए, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्यों ट्रू? देखो कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। अब लार्ज बैच साइज है मतलब कहने से आरओ क्यू लार्ज होगा, करेक्ट है? आरओ क्यू लार्ज होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली, स्टॉक कंट्रोल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर 10 बार ऑर्डर कर रहे हैं हम तो 10 बार ऐसा ऐसा आएगा उसमें, वेरस हम 2 बार ही ऑर्डर कर रहे हैं तो वो स्टॉक कंट्रोल चार्ट में सिर्फ 2 बार ऐसा आएगा। कैन आई से वी हैव रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ओनली व्हेन वी रीच दिस एरिया में भी, राइट? तो मुझे बोलो ये केस में जहां पे आर ओ क्यू हमारा कम है इसलिए हमें 10 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है, कहने से बहुत बार स्टॉकआउट का रिस्क आ रहा है हमें। देखो वेर एज जब आर ओ क्यू हमारा ज्यादा है और हम 2 ही बार ऑर्डर कर रहे हैं साल में तो हमें 2 बार ही स्टॉकआउट का रिस्क आता है सर, करेक्ट है ना? बट फिर भी
जब इस एरिया में आएगा, कहने से बिलो सर्टन लेवल देयर विल बी रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। अगर दो ही बार ऑर्डर कर रहे हैं तो स्टॉक आउट का रिस्क ही नहीं होगा, अगर दो ही बार ऑर्डर कर रहे हैं तो स्टॉक आउट का रिस्क ही नहीं होगा। क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ा तो कहने से स्टॉक आउट कॉस्ट कम हो जाएगा फिर। इज दैट करेक्ट? सोचो जब लार्ज बैच साइज है, सारे कंडीशन में होगा, क्योंकि लार्ज बैच साइज मतलब क्या कि बहुत ज्यादा ऑर्डर करके रख रहे हैं हम, बहुत ज्यादा ऑर्डर करके रख रहे हैं मतलब नीचे मिनिमम लेवल तक आने में भी टाइम लगेगा, मिनिमम लेवल तक आने में टाइम लगेगा मतलब रिस्क भी कम है। कैरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली हाई आएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट हाई है तो इसका मतलब स्टॉक आउट कॉस्ट कम है, समझा? अरे लेकिन अच्छा फिर लार्ज बस किसे हो सकता है, कहाँ पे मटेरियल ही नहीं है तो। अरे लेकिन वो पर हम ऐसा बोल रहे हैं ना काव्य कि एक मटेरियल का लार्ज बैच साइज है तो फिर स्टॉकआउट नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं ना हम, समझा? क्या हम ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई दूसरे मटेरियल का लार्ज बैच साइज है तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि लार्ज बैच साइज है किसी मटेरियल का तो स्टॉकआउट के बारे में क्या होगा, मतलब अवेलेबिलिटी के बारे में बोल ही नहीं रहा है क्वेश्चन, राइट? सबको क्लियर है क्या है, बोलो। ओके सलोनी, प्रकुल, आकांक्षा, अच्छा, तुमने ट्रू कहा था, कंफ्यूज है। ओके आकांक्षा वापस देखो एक बार, जितने ज्यादा बार ऑर्डर प्लेस करेंगे उतने ज्यादा बार हमारा स्टॉक कम भी होगा, मतलब हम ऑर्डर कब प्लेस करते हैं, आरओएल पे प्लेस करते हैं, आरओएल के बाद ऑर्डर आने तक हमारा स्टॉक कम 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 होता है, मिनिमम लेवल तक जाता है। तो जितने बार हमारा स्टॉक मिनिमम लेवल तक जा रहा है, अगर 10 बार स्टॉक मिनिमम लेवल तक जा रहा है तो 10 बार हमारी हमें रिस्क भी है उसके नीचे जाने की, स्टॉक आउट होने की। वेर एज अगर बहुत सारे, ऐसा अज्यूम करो कि हमने पूरे साल का रिक्वायरमेंट अभी परचेस करके रखा, एकदम लार्ज बैच साइज रखा, तो फिर कहने से देर इज नो रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, सिर्फ एक बार ही आएगा साल के एंड में। तो फिर जितना लार्ज बैच साइज रखेंगे उतना कम रिस्क होगा, जितना कम बैच साइज, हर रोज एक ही यूनिट परचेस करते हैं हम तो हर रोज स्टॉक आउट का रिस्क आएगा फिर, राइट? क्या राइट? हाँ कर, एक बार इसे लॉन्ग टर्म स्टॉक करके रखा तो फिर क्या होता है, दिस रिस्क ऑफ स्टॉक लेस, मतलब लेस रिस्क ऑफ स्टॉक आउट जब हम लॉन्ग टर्म स्टॉक करते हैं। ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स कि हमारा मटेरियल अच्छा ड्यूरेबल होना चाहिए एंड एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट, आई डोंट नो अबाउट पॉलिसी का बिग बाजार मतलब, बट मतलब इतना भी स्लो है, मतलब फ्रीक्वेंट होगा आई थिंक उनका लगता है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ बट डोंट नो क्या थे, देखना पड़ेगा, मतलब आई डोंट नो क्या पॉलिसी है, बट कंसर्निंग पेरिशेबल या फूड प्रोडक्ट्स तो जनरली ज्यादा बार ही करना पड़ेगा, यही सिचुएशन आना लाना पड़ेगा हमें। चलो फोर्थ, ईओक्यू इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बिटवीन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। ये अगर किसी ने गलत बोला, अगर ट्रू या फॉल्स, हाँ आकांक्षा, ओके ओके आकांक्षा का क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन में बाकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, करेक्ट, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा, लेकिन उन्होंने वो पूछा है क्या आकांक्षा वहां पे, वो सिर्फ बोल रहे कि स्टॉकआउट नहीं होगा, स्टॉकआउट तो नहीं होगा ना, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा वगैरह, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, अगर आस्किंग कि स्टॉकआउट नहीं होगा लार्ज बैच साइज रखा तो नहीं होगा ना, ठीक है फिर, समझा? हाँ क्योंकि बाकी कॉस्ट इंक्रीज होंगे, एग्री, बाकी कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होंगे, इसीलिए तो हम ईओक्यू वगैरह निकाल रहे इतने बार, अदरवाइज निकालते ही नहीं, बट दैट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। चलो फोर्थ, ईओक्यू इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बिटवीन कैरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट, कुछ भी एक इसमें अगर टाइम लग रहा है आपको तो शॉर्टेज कॉस्ट ऐसा नाम का कुछ होता है क्या उसमें, ईओक्यू में? नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है ना, एक सेकेंड में अंतर आना चाहिए था। नेक्स्ट फॉल्स, फिफ्थ, ओके कंसंट्रेट, लीड टाइम इज द इंटरवल, टाइम इंटरवल एलाप्सिंग बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर
एंड रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स। मतलब वो पूछ कि अगर गुड्स पार्ट पार्ट में देता है वो सप्लायर, पार्ट पार्ट में देता है, तो फिर हमने डिलीवरी प्लेस करने का डेट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा गुड्स का वो डेट लेना चाहिए या लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा वो डेट लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? नो, नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ओनरशिप पास हुई तो भी ऐसा नहीं कि पोजेशन आएगा ही हर बार। यहाँ पे हमें पोजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हम यूज कर सकते हैं क्या अल्ताफ, राइट? बिकॉज फ्रॉम कॉस्टिंग इवन इफ वी ओन इट एंड वी डोंट हैव इट तो फिर क्या यूज है? अग्रीड, बट नॉट नेसेसरली अल्ताफ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सोगा के अकॉर्डिंग इट इज नॉट नेसेसरी कि डिलीवरी होनी ही चाहिए हर बार, राइट? डिलीवरी कैन बी करेक्ट ना, ओनरशिप की बात करी नहीं, डिलीवरी की बात कर रहा है, सो वी कैन नॉट गो टू एक्ट। इनफैक्ट हमें एक्ट का कुछ लेना देना ही नहीं है, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको। तो कब यूज कर पाएंगे मटेरियल को, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में या लास्ट इंस्टॉलमेंट में? फर्स्ट में यूज कर सकते हैं, तो इट शुड बी व्हाट, फर्स्ट। क्योंकि जब पहले एक दो दो यूनिट्स भी लाके दिए उसे तो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं ना प्रोडक्शन, तो उसके बेस पे हमने स्टार्ट करना चाहिए कैलकुलेशन हमारा। ऑब्वियसली मॉडिफाई करना कैलकुलेशन, बट स्टिल वी विल हैव टू मॉडिफाई द कैलकुलेशन, बट स्टिल वी कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस। इज दिस क्लियर टू ऑल? एक ही ट्रू था, थ्री। चलो फिर, चैप्टर इज ओवर। लेट्स, क्या क्या प्रगुन, तुमने कुछ प्रगुन, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, अल्ताफ सुन क्या बोल रहे थे? ट्रू फॉल्स नहीं आता एग्जाम में, मतलब क्या थियरी में आ सकता है, लास्ट क्वेश्चन में आया तो नहीं आता जनरली। प्रगुन तुम्हारा वो तो माइक का प्रॉब्लम है शायद कुछ। तो नेक्स्ट, तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर रहा हूँ सो दैट न्यू चैप्टर के लिए न्यू रिकॉर्डिंग कैन बी स्टार्टेड। तो रिकॉर्डिंग के लोगों को बाय एवरीवन, रिकॉर्डिंग के लोगों को बोल रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको। हाँ, सो बाय, विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर 38 करके आओ, 38 हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे, उसके बाद के लेक्चर में चेक करेंगे। तो चलो बाय एवरीवन, तुम्हें नहीं, तुम लोगों नहीं। हाँ।